स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए ओलेग कोनोनेंको, बी स्कॉट केली, सी एंड्रू मॉर्गन, डी क्रिस्टीना कोच। आंसर ए ओलेग कोनोनेंको। एक्सप्लेनेशन: रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओलेग कोनोनेंको ने हमवतन गैनेडी पडलका द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ओलेग कोनोनेंको ने पहली बार साल 2008 में पहली स्पेस यात्रा की थी। अगला प्रश्न। फरवरी 2024 में लालकृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण, डी पद्म भूषण। आंसर बी भारत रत्न। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? ए गगनयात्री, बी एस्ट्रोनॉटिला, सी व्योममित, डी व्योमनॉट। आंसर सी व्योममित। एक्सप्लेनेशन: महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र इस वर्ष की तीसरी तिमाही में इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। जीवन समर्थन, संचार और अंतरिक्ष यान का परीक्षण करके व्योममित्र भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इंदु मल्होत्रा, बीरूमा पाल, सी हिमा कोहली, डी ऋतु बाहरी। आंसर डी ऋतु बाहरी। एक्सप्लेनेशन: उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को शपथ दिलाई। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया। पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ए पुर्तगाल, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी इटली। आंसर सी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन: NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि UPI उपयोगकर्ता अब पेरिस में एफिल टॉवर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसके लिए NIPL ने फ्रांस की लायरा ई कॉमर्स से साझेदारी की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2016 में UPI को लॉन्च किया था।